हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो आपके लिए कहानी लेकर आए हैं वो है पत्नी के सूटकेस में ऐसा क्या देखा पति ने जिसे देखकर पति शर्मिंदा हो गया। चलो कहानी शुरू करते हैं। शादी के दिन एक नई नवेली दुल्हन एक सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए अपने पति से वादा लिया कि वह सूटकेस को कभी नहीं खोलेगा। पति ने वादा कर लिया। समय बीतता गया। शादी के 50 साल बाद पत्नी को लकवा मार गया। एक रोज़ जब पत्नी बिस्तर पर पड़ी सो रही थी, पति ने उस सूटकेस के बारे में याद दिलाया। पत्नी बोली, अब यह समय है उस सूटकेस का राज खोलने का। अब आप सूटकेस को खोल सकते हो। पति ने उत्सुकता और जिज्ञासा से सूटकेस को खोला कि देखें तो उसमें ऐसा क्या राज छिपा है। जब सूटकेस खोला तो पति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसमें 2 गुड़िया और 1 लाख रुपए थे। पति के पूछने पर पत्नी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सफल शादी का राज बताते हुए नसीहत दी थी कि गुस्से को पी जाना ही शादीशुदा जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके लिए मुझे मेरी माँ ने यह तरीका बताया था कि जब भी तुम्हें पति की किसी बात पर गुस्सा आ जाए या तुम उससे नाराज हो जाओ, बजाय इसके कि तुम अपने पति से झगड़ा करने लगो या उस पर गुस्सा करने लगो, तुम एक गुड़िया सी लिया करना। तो जब भी आप मेरा दिल दुखाया करते या बेवजह मुझ पर गुस्सा हो जाते, तो मुझे भी उस समय आप पर बहुत गुस्सा आता और मेरा भी आपसे झगड़ने का मन करता, तो मैं एक गुड़िया सिया करती। पति तो 2 गुड़िया देखकर बहुत खुश हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को कितना खुश रखा है कि पूरी विवाहित जीवन में मेरी पत्नी ने सिर्फ 2 ही गुड़िया सी हैं। फिर पति उत्सुकता में आकर पत्नी से 1 लाख रुपए के बारे में पूछने लगा और उन पैसों के बारे में जानकर बहुत शर्मिंदा भी हुआ, क्योंकि पत्नी कहती है, यह 1 लाख रुपए मैंने गुड़िया बेचकर कमाए हैं। पति यह सुनकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब जिंदगी में जितना भी बची है हमारी जिंदगी, तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मित्रों, जीवन बहुत छोटा सा है, इसलिए एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे के साथ प्रेम व स्नेह के साथ रहना बेहतर है। प्यार बांटते चलो, प्यार से रहो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप और भी स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं व सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्टोरीज़ का संग्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।